आज हम सब लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो हत्या सिर्फ एक बात के लिए की जा रही है कि उस संसद के अंदर ये सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। क्या पूछा जा रहा है? मोदी और अडानी का। और जब जब राहुल गांधी जी ने ये आवाज उठाई है, तब तब भाजपा डरी है और तब तब भाजपा पीछे चली है। और याद रखिए, ये आवाज राहुल गांधी जी की नहीं, राहुल गांधी जी के साथ साथ वो हर एक किसान की है, वो हर एक बेरोजगार की है, वो हर एक युवा की है जो अपने हक के लिए सड़कों पे आ रहा है। मैं एक बात कहूंगा, आप सब धर्म की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जब जब चुनाव की बात आती है तो ये श्री राम की बात करते हैं। अरे ये चुनावी नारा है, अगर नारा है तो सीता राम का नारा है, श्री राम का नारा तो भाजपा का जुमले का नारा है। अगर नारा लगेगा तो सीता राम का लगेगा और साथ में लगेगा बोलो सीता राम की, बोलो सीता राम की। और याद रखिएगा, अगर लोकतंत्र की बात की जाती है तो अयोध्या पहला ऐसा राज्य था जहां लोकतंत्र स्थापित था, क्योंकि अयोध्या के अंदर निषाद राज जो पिछड़े वर्ग से आते थे वो प्रभु राम के मंत्री हुआ करते थे। और याद रखिएगा, प्रभु राम ही वो व्यक्ति है जिन्होंने एक माला के अंदर सभी जाति को पुरोया, एक माला के अंदर सभी वर्ग और धर्म को पुरोया। और ये याद रखिएगा, प्रभु राम ही वो व्यक्ति है जो कांग्रेस विचारधारणा के साथ चलती है, जहां हम सेकुलर की बात करते हैं, जहां हम सेकुलरिज्म की और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर सही में रामराज कोई लेके आया तो कांग्रेस पार्टी लेके आई। कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेके आई। आपको नुक्कड़ों पे कहना पड़ेगा कि सही में इन्होंने लेके आए रावण राज, क्योंकि ये रावण के नाम पे तानाशाही करते हैं, ईडी को बेचते हैं, सीबीआई को बेचते हैं। अरे रामराज की बात तो राहुल गांधी करते हैं, कृष्ण राज की बात तो राहुल गांधी करते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे हमारी हसरत है इस देश की सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही तो है कहीं आग, मेरे साथ मिलके कहेंगे है कहीं आग, है कहीं आग, अरे है कहीं आग, अरे है कहीं आग, अरे युवाओं है कहीं आग, तो आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शेष नारायण जी, धन्यवाद। बोलो भारत माता की, आवाज नहीं आई यार, बोलो भारत माता की, इन कलर, इन कलर, राहुल गांधी, राहुल गांधी, पीवी श्रीनिवास, पीवी श्रीनिवास, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस। देश के विभिन्न प्रदेशों से चलकर यहां आए हुए मेरे सभी युवा साथियों को नमस्कार करता हूं। आज जो यह क्रांति की ज्वाला जलाने हम यहां आए हैं, मैं आप सभी को इसके लिए साधुवाद करता हूं। दो लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहां राम मिलता है, यहां रहमान मिलता है, यहां न कोई हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, ये कांग्रेस है, यहां सारा हिंदुस्तान मिलता है। साथियों, ये जो मोदी ये जो मोडानी की सरकार है, असली में जो अडानी की सरकार है, जिसकी गुलामी आज भारत सरकार का हर मंत्री कर रहा है, ये सरकार क्या कर रही है?
ये राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दे रही है। राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने बोला नीरव मोदी, नीरव मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ललित मोदी, सारे मोदी। हाँ हम भी बोल रहे हैं सारे मोदी। करो कितनी FIR करोगे? यहाँ बैठा हुआ हर कार्यकर्ता, हर युवा कांग्रेस का साथी अपने सीने पर FIR झेलने के लिए तैयार है। बोलो तैयार है, बोलो तैयार है, जेल जाने को तैयार है, देश बचाने को तैयार है, तैयार है, राहुल गांधी के साथ चलने को तैयार है। अरे मोदी आके देख ले, आज यहाँ से हम डंका बजाने वाले हैं, हम कूच करेंगे पार्लियामेंट की तरफ, देखते हैं तुम कितनों को रोक लोगे। मुझे याद आता है जब मैंने 1971 में युवक कांग्रेस के साथी के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। मुझे भी युवक कांग्रेस का साथी, युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने का गौरव प्राप्त हुआ। मैंने अपना राजनीतिक जीवन सन 1973 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू किया। एक मजदूर परिवार में मेरा जन्म हुआ। कांग्रेस ने मुझे वो पहचान दी जिस पहचान के कारण आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जिस विचारधारा में हम चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, वो विचारधारा कुर्बानी से भरी विचारधारा है। साथियों हम बड़े गौरवशाली हैं, हम वारिस हैं ऐसी परंपरा के जिसने अपने लहू से इस देश को सींचा है। हम वारिस हैं उस परंपरा के जो कुर्बानी में यकीन रखते हैं। हम वारिस हैं उस परंपरा के जिन्होंने अपना खून देकर इस देश के अंदर कुर्बानी का जज्बा स्थापित किया है। आज मैं सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं। देश के अनगिनत शहीदों का जर्रे जर्रे पर खून बिखरा है, तब कहीं जाके परचम में हिंद तेरे चेहरे का नूर निखरा है। मौत की मंडियों में जा जाकर अपने बेटों की बोलियां दी हैं और तुमने एक सर मांगा, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। ये इतिहास है कांग्रेस का। जो लोग आज सवाल करते हैं, जो लोग आज उंगलियां उठाते हैं कांग्रेस नेतृत्व पर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो हमारे और शीर्ष नेता हो, कि आइए आप देशभक्ति का प्रमाण दीजिए, तो मैं आज उनसे सवाल करना चाहता हूं। अरे जब भारत माता की जय कहने पर गोलियां लगती थी तब तुम यूनियन जैक के पीछे छुप जाया करते थे, आज किस मुंह से तुम बात करते हो? 8-8 साल के बच्चों का सीना अंग्रेजों की गोलियों से लाल हो गया। मुझे एक वो वाक्य इतिहास का याद है, एक बेटी अपने पिता के साथ झंडा लेकर चल रहा था उसका पिता। उसके पिता ने कहा बेटी आप मेरे साथ आजादी की लड़ाई में चल रही हैं, याद रखना ये झंडा नहीं गिरना चाहिए भले ही हम गिर जाएं। इस सफर के अंदर अंग्रेज सिपाही की एक गोली आती है और उसके पिता का सीना छल्ली कर देती है। पिता लड़खड़ा कर गिरने लगता है। 8 साल की बच्ची अपने पिता को नहीं संभालती लेकिन उस झंडे को संभालती है, क्योंकि पिता ने कहा था झंडा नहीं गिरेगा हम गिर जाएंगे, ये जज्बा हमारे को वारिस होने के नाते मिला है। आज हमसे आप सवाल करते हैं। अरे जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, पूरा भारत गांधी जी के नेतृत्व में कह रहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो कौन लोग थे जो कह रहे थे नहीं हमारे आका आप रहिए, क्योंकि हमें बिस्कुट कौन खिलाएगा, हमारी पीठ कौन थपथपाएगा, हमें आपके जूते साफ करने में बड़ा गौरव महसूस होता। ऐसे लोग जो भारत की आजादी का विरोध कर रहे थे, आज मैं दावे से कह सकता हूं, अभी मेरे कुछ साथी मुझसे पूछ रहे थे कि जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर भारत की भूमि का अपमान करते हैं
तो कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा करता है? मैंने कहा ऐसा है, हम लोग जिस परंपरा के वारिस हैं हम उसकी बात करते हैं, और वो लोग जिस परंपरा के वारिस हैं, क्योंकि नागफनी के वेल पेड़ के ऊपर कभी भी चमेली नहीं खिला करती है। जिन लोगों ने भारत की आजादी का विरोध किया है, जिन्होंने भारत का अपमान किया है, वो चाहे सत्ता में रहे या विरोध में, भारत का सम्मान कभी नहीं कर सकते। क्या कहा था आपने शंघाई में जाकर? क्या कहा आपने चीन की धरती पर? क्या कहा था कि हमें ऐसी बातें सुनने को आती हैं, लोग कहते हैं कि भारत में जन्म लेने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धर्म की दुहाई देने वालों, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये गौतम बुद्ध की भूमि है, ये गुरु नानक की भूमि है। आप इस भूमि को, जिसको लोग ये कहा करते थे कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, और आप उस जननी जन्मभूमि को आज अपमानित करते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ जन्म लेने में शर्म का अनुभव होता है। डूब मरो, शर्म करो। भारतीय होने पर एक एक बच्चे को गर्व है। यहाँ जो हजारों लोग आज उपस्थित हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमें भारत की भूमि पर जन्म लेने पर गर्व है या नहीं? अगर हमें गर्व है तो हम चुनौती भरे स्वरों में प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं, आइए जनता के समक्ष सामने आकर माफी मांगिए, अगर आप में हिम्मत है तो, क्योंकि आप माफी वीर के समर्थक हैं और हम संघर्ष वीर के समर्थक हैं। मैंने 1977 भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इसी दिल्ली की सेंट्रल जेल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हुए दो बारी मैंने जेल यात्रा की है। मैंने 7 दिन लुधियाना जेल में जाकर जेल काटी है। मेरे को गौरव अनुभव होता है कि मैं यूथ कांग्रेस का सिपाही रहा हूं। मुझे गौरव अनुभव होता है कि मैं ऐसी परंपरा का वारिस हूं जिसके अंदर हमें लड़ना सिखाया जाता है, हमें कुर्बानी का जज्बा सिखाया जाता है। ऐसे लोगों को आज हमें जवाब देना होगा। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर कर आप उस आवाज को बंद नहीं कर सकते जो लोग के हितों के लिए आवाज उठती है, जो आवाज भारत के लिए उठती है, जो आवाज नौजवानों की बेरोजगारी को लेकर उठती है, जो आवाज देश से महंगाई से त्रस्त लोगों के समर्थन में उठती है, जो आवाज महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के लिए उठती है, जो आवाज हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश के बंटवारे को लेकर उठती है, उस आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। आप उठाकर देख लें, इतिहास इस बात की गवाही देता है, जब जब इस देश पर संकट आया है, जब जब इस देश की अस्मिता की बात आई है, तो कांग्रेस का नौजवान, कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो बहन हो या भाई हो, मजदूर हो, किसान हो, शिक्षक हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोग निकलकर सड़कों पर कांग्रेस का झंडा लेकर आए हैं, और उन्होंने एक मजबूत आवाज यहां पर लोगों के सामने प्रस्तुत की है। मैं आज आपसे एक ही आह्वान करना चाहता हूं, आज आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आइए और इस संघर्ष के अंदर राहुल जी की आवाज के साथ आवाज मिलाइए, और ये आवाज पूरे देश की आवाज है। इस आवाज को कोई एक व्यक्ति, कोई एक सरकार दबा नहीं सकती, कानूनन कोई इस आवाज को नहीं दबा सकता, क्योंकि ये आत्मा की आवाज है। आइए हम राहुल जी के कदमों के साथ कदम मिलाकर चलें, युवक कांग्रेस के साथियों के साथ आवाज मिलाकर चलें। इन्हीं लफ्जों के साथ धन्यवाद, जय कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस। शुरुआत में कहना चाहूंगी, जिसने भारत की बंजर भूमि में उम्मीदों की नदियां खोदी है, जिसने भारत की बंजर भूमि में उम्मीदों की नदियां खोदी है, सुन लो सारी दुनिया वालों, उनका नाम राहुल गांधी है। आज हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं पार्लियामेंट घेराव के लिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश की आई है कि इस देश के युवाओं को, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के युवाओं को, आज दिल्ली में जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है, पार्लियामेंट घेराव के लिए आना पड़ रहा है। कुछ साल पहले हमें वादे किए गए थे नौकरी के, हमें वादे किए गए थे कि यहाँ पर महंगाई कम होगी,
महिलाओं पर कोई उत्पीड़न ना होगा। और आज हम 8 से 9 साल बाद फिर यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि सारे वादे झूठे निकले। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो चाय वाले थे, वो सामान्य परिवार से आते थे, लेकिन आज वो मोदी जी जाकर सारे अमीर व्यापारी लोगों के गोद में जाकर बैठ गए हैं। वहीं आप देखेंगे राहुल जी, उन पर परिवारवाद का बार बार इल्जाम लगता है। आज आप और मैं और यहाँ पर बैठे कितने सारे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, इस देश की एक्टिव पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ भूमिका निभा रहे हैं, वो लोग राहुल गांधी के लोग हैं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस तरीके से अपनी मार्केटिंग के लिए गरीबों का, चाय वालों का, रिक्शे वालों का और जो छोटे तबके से लोग आते हैं उन लोगों की जो परेशानी है उसका फायदा उठाया अपनी एक इमेज बनाने के लिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, उन पर जो भी इल्जाम लगे आज यहाँ पर सामान्य घर के लोग आए हुए हैं। उसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा क्या है जो बीजेपी मोदी जी को अगर वो संभालें या उनको बचाएं तो हम समझ सकते हैं वो उनके नेता हैं, लेकिन ऐसा क्या है अडानी में जो इतनी पूरी बीजेपी स्मृति ईरानी से लेकर मोदी जी से लेकर अमित शाह से लेकर ये पूरा बीजेपी उनकी गुलामी में लग गया। आज क्या हुआ है, ऐसा कहां से आए ये 20,000 करोड़, कहां गए हमारे 15 लाख रुपए, कहां गई हमारी 2 करोड़ नौकरियां। आज ये सवाल पूछने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और पूरे दमखम से ये सारे बैरिकेड आज दोस्तों तोड़ने हैं। आज हमें पार्लियामेंट की पूछ करनी है, आज हमें उन चोरों तक जाकर ये सवाल पूछना है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। मैं पूछती हूँ क्यों साध्वी प्रज्ञा पर कोई भी इल्जाम, उन इतनी बड़ी उन पे आतंकवाद का केस चल रहा है वो क्यों नहीं हुई है डिस्क्वालीफाई? क्यों ऐसे बीजेपी के सांसद डिस्क्वालीफाई नहीं हुए जिन्होंने महिलाओं पर उत्पीड़न किया है, उन पर अभी भी केस चल रहे हैं? अरे हमारे होम मिनिस्टर पे तो मर्डर के भी केसेस की बातें होती हैं, तो कहाँ है वो उनके, तब कहाँ चला जाता है इनका डिस्क्वालिफिकेशन? यही आग लेकर आप सभी को पहले तो मैं सलाम करूंगी कि आप लोग अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पहुंचे हैं, और एक बार मैं चाहूंगी कि हर प्रदेश के लिए हम नारा लगाएं। तो मध्य प्रदेश से आई आवाज, मध्य प्रदेश से आई आवाज, युवक कांग्रेस जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ से आई आवाज, तेलंगाना से आई आवाज, बिहार से आई आवाज, और सबसे अहम और सबसे कठिन स्थिति में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश से आई आवाज। ज्यादा समय ना लेते हुए बस यही कहूंगी कि इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज इन चोरों को उखाड़ फेंकने का समय आया है। साथ चलेंगे एक शायरी के साथ, अपने दो शब्द को विराम देना चाहूंगी कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं। हम राजस्थान से आई आवाज, दिल्ली से आई आवाज, हरियाणा से आई आवाज, हम उबलते हैं तो पंजाब से आई आवाज, जो बोले सोनियाल, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करना मोदी सरकार, क्योंकि हम भड़कते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, तो इतिहास बदल जाते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहाँ खड़े में जगह तुमने? जूम कर दो, जूम कर दो।
सब खाली है, कुछ नहीं है, सब खाली है। Thank you.